अस्सलाम वालेकुम गाइस और जुमा मुबारक। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में जो व्यूवर्स हैं उनका जुमा हो गया होगा और यहाँ पे स्पेन में जो लोग हैं अभी कुछ का हो गया होगा और कुछ का नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे दो से तीन टाइम स्लॉट चलते हैं, दो से तीन जमातें होती हैं। एक तो टाइमिंग का भी इशू होता है लोगों का, क्योंकि कुछ लोगों ने काम से जॉब से आना होता है और ऊपर से कोविड की वजह सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ एक्स्ट्रा जमातें हो रही हैं और ज़्यादा लोगों को वो अलाउ नहीं करते नमाज के लिए। तो इस रैंडम व्लॉग लाइक डेली रूटीन एंड जुमा मुबारक का कैसे इंतमाम किया जाता है, नहा धो के बीबी बहू बन जाता है यहाँ पे और नाखून वगैरह भी काटते हैं लोग, लेकिन मैंने नहीं काटे। खैर तो अभी हम जाएंगे जमात के लिए, दो जगह जमात, एक तो मस्जिद में हो रही है और एक यहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे हो रही है, तो कन्वीनियंट ज़्यादा ग्राउंड में है जमात का। अभी हम जमात के लिए निकल रहे हैं और ये भाई ने शलवार कमीज पहनी हुई है, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और हमारी शलवार कमीज है हमारे पास, लेकिन हम इसलिए नहीं कर सकते इसको। ये भाई सारी लाइन में खड़े हैं जुम्मे के लिए। और ये सबसे एंड पे अब हमारी बारी आ गई है लाइन की। अब यहाँ पे तकरीबन तीन से चार जमातें होती हैं और ये एक बंदा जो है ना, ये काम इसका दिल नहीं करता काम छोड़ने का। और ये देखिए ये कैसे, मतलब जुमे वाले दिन भी जो है ना ये बंदा रेस्ट नहीं करता, जुमे वाले दिन भी इसने आना काम पे आना होता है। भाई जुमा हमारा हो गया, अब हम घर जा रहे हैं और घर के बाद जॉब स्टार्ट है। मौसम भी अच्छा बना और मौसम लोगों के लिए अच्छा बना जिन्होंने घर में रहना है, और जिन्होंने जॉब करनी है उनके लिए मौसम बुरा हो रहा है क्योंकि बारिश में बहुत मुश्किल होती है। सो भाई अब हम जाएंगे जॉब पे अनटिल 10 o'clock। आज फ्राइडे था, ऑफ डे पहले हो गया, तो अफ्तारी के टाइम घर नहीं आएंगे, 10 बजे ही आएंगे। So, have a good day. So, finally, we are at home. So, अब जाके देखते हैं क्या अफ्तारी में बना है, आपको भी दिखाते हैं क्या बना है अफ्तारी में। अफ्तारी तो हो ही हुई है लेकिन खाने में क्या बना है। So, see you in. There we go. तो आज भाई क्या बना हुआ है, what's today? The menu is कड़ी पकौड़ा, one of my favorite कड़ी पकौड़ा। सो रख दें इसको, रोटी बनानी पड़ेगी, पहले रोटी बनाए। और ये भी है मेन्यू में, okay.